हेलो गाइज, आज होगा जनवरी का टोटल 150 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन होगा जनवरी मंथ का। इम्पोर्टेंट 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन। तो प्लीज़ अगर फर्स्ट बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहां पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज होगा जनवरी का 2022 का जितना भी जनवरी में बना है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सभी। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कराने वाला हूँ। अगर फर्स्ट बार इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि बेल आइकन दबा लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता है। अगर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देता हूँ, अगर वीडियो कैसा लगता है ना लगता है उसके बारे में आप कमेंट निश्चित ही कीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है या किसको मिला है? तो गुरुग्राम को। कहाँ में इस्प तुकम गस्टर फेस्टिवल 2022 शुरू होगा? तो लद्दाख में। महिला राष्ट्र आयोग की स्थापना 31 जनवरी को मनाया जाता है। मिस यूएसए 2021 में जो जीता था उसका निधन हो गया, वो कौन थी? चेलेसी क्रिस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डेनियल मेदवेदेव ने किसको हरा कर रिकॉर्ड किया है जो 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? राफेल नडाल को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। साब ने भारत से 84 एंटी आमर हथियार अनुबंध जीता है। कितना जीता है? 84 एंटी आमर हथियार अनुबंध जीता है भारत ने। साब ने भारत से किसने जीता है? साब ने भारत से 80 किससे जीता है भारत से साब ने 84 एंटी आमर हथियार अनुबंध जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जियो ने 6G अनुसंधान में तेजी से लाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? फिनिशिंग विश्वविद्यालय के साथ। भारत के सबसे बड़ा ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लॉन्च किसने किया है? तो कर्नाटक ने बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ईसीबी के लिए इष्टतम बचाव अनुपात कितना रखा गया जो RBI वर्किंग पेपर है? तो 63 PC। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पहला एलन बॉर्डर भारत और सॉरी पहला एलन बॉर्डर पदक किसने जीता है? मिशेल स्ट्राक ने जीता है पहला अपना एलन बॉर्डर, मिशेल स्ट्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और किस देश के साथ मुक्त व्यापार के लिए पहले दौर की वार्ता समापन किया है? तो ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एशियन डिजिटल कार्य योजना 2022 को 22 में कब मंजूरी दी गई थी? भारत डिजिटल कार्यक्रम योजना 2022 को कब मंजूरी दी गई? तो 28 जनवरी को। शोधकर्ता ने कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीक विकसित किया है? तो आईआईटी ने। साइबर हमले के प्रभाव का पहला आकलन करने के लिए किसके साथ सुरक्षा भागीदारी किया है? इन्फोसिस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
किसने निपेर किसने निपेर सेंटर पोर्टल लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया। भारतीय नौसेना प्लेसमेंट ने आई एफ एल होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फेडरल बैंक ने डेट फंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। एस क्यूब कैपिटल के साथ। टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व ने जीता है। तमिलनाडु के सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एयर एशिया एयरलाइंस से आगे बढ़ने के लिए नाम बदल कर क्या रखा गया है। तो कैपिटल ए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय को मंजूरी सरकार ने किस बैंक में दिया गया है। पीएमसी बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय एयरटेल के अनुसंगी एयरटेल अफ्रीका को एफ टी एफ सी 100 इंडेक्स में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है, एफ टी एस ई 100 इंडेक्स में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टाटा मोटर्स टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन का टाइल प्रायोजक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉरपोरेशन के मुथूट होम फिन के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट, दिग्गज चरणजीत सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे। तो हॉकी खिलाड़ी थे। 2022 में से कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किसे किया गया है। नीरज चोपड़ा को। 2022 के लिए नामित फिल्म ऑस्कर के लिए कौन सा दो फिल्म है, जय भीम और मरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य ने 13 नए जिलों का गठन की मंजूरी दिया है। तो आंध्र प्रदेश। स्विमिंग डेकाकॉर्न बन गई है नई फंडिंग में वैल्यूएशन 10.7 मिलियन डॉलर को पार कर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिमाचल राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 25 जनवरी को। देश का पहला गार्फिन इनोवेशन सेंटर किस राज्य को मिला है। तो केरल राज्य को। फ्लिपकार्ट ने सोशल कॉमर्स में संयुक्त अनुसंधान के लिए FITT के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विनोदानंद झा बने पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के लिए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वीरता के लिए सर्वाधिक संख्या में पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है किस राज्य को। तो जम्मू कश्मीर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है, सुष्मिता सेन ने। अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जनरली पार्टिसिपेशन नीदरलैंड्स एनवी द्वारा एफजीएलआईसी का अधिग्रहण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के प्रधानमंत्री को मिला है 2022 नेताजी सुभाष चंद्र पुरस्कार से
नेताजी पुरस्कार से 2022 का सम्मानित किया गया है, तो वह हो जाएगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम म्यूचुअल फंड को व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के रूप में दोबारा से नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा देश का पहला सैनिटरी नैप किन मुक्त गांव बनाया गया है, तो केरल के गांव कुंबलगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नई किताब द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा का विमोचन किसने किया है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी, और इसको लिखा है नीता बर्मन ने। किस बैंक ने पेश किया है सेम डे सेटलमेंट फीचर, तो कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वैज्ञानिकों ने वर्ष में मेंढक की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है जो खोजा गया है, तो किसके नाम पर रखा गया है, तो ग्रेटा थेनबर्ग के नाम पर। अब लास्ट पोस्ट क्वेश्चन है नई किताब खटमा का लेखक आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर है, आरसी गंजू एवं अश्वनी भटनागर है, इसका विमोचन किसने किया है कमेंट बॉक्स में लिखना। कोयला दर्पण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, कोयला सचिव होगा डॉक्टर अनिल कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में एफडीआई प्रभाव 2021 में कितना परसेंट फीस अकाउंट को रिपोर्ट है, तो 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा त्रिपुरा ने 2022 को 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया कब, तो 19 जनवरी को, या कोकबोरोक दिवस कहाँ मनाया जाता है त्रिपुरा में, दो क्वेश्चन पूछ सकता है कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा नया एआई आधारित परीक्षण कुछ ही मिनटों में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाए, कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है, तो एक्सरे का। नया एआई आधारित परीक्षण कुछ ही मिनटों में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किया जाता है एक्सरे द्वारा। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है, किसने किया है, फाइनेंस बैंक ने, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा अमर जवान ज्योति राष्ट्र उद्योग स्मारक में लोह में विलीन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का 50वां स्थापना दिवस 21 जनवरी 2022 को मनाया गया। इफ्को का अध्यक्ष किसे चुना गया है, दिलीप संघानी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चिंता को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न त्रिक्षेत्रीय समिति का सिफारिश को मंजूरी किस राज्य की कैबिनेट ने दिया है, तो मेघालय राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपनाने वाला भारत का बुकिंग्स इंस्टीट्यूशन का कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, दस वैश्विक
AI शीर्ष स्थान पर रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह को संबोधित किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? चीन देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस में सामाजिक आवास इकाइयों को परियोजना का उद्घाटन किया है? कहाँ में किया है? तो मॉरीशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर वहाँ सामाजिक आवास इकाइयों के परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फाइजर के प्रमुख अल्बर्ट बोरला ने $1 मिलियन की उत्पत्ति पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फरवरी 2022 में रिलीज होगी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी। फ्लिपकार्ट ने लिप एहेड और लिप इन्वेस्टर नेटवर्क प्रोग्राम को लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फेडरल बैंक इक्वेरस वेल्थ ने संयुक्त रूप से US डॉलर ऑफ शोर फंड लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के लिए कितना वर्ष बढ़ा दिया गया? 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डीएसपी वैश्विक नवाचार कोष शुरू करेगा म्यूचुअल फंडों ने। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है सालिनी फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जारी किया है इन इक्विलिटी किल्स रिपोर्ट। किसने जारी किया है? ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाबकर किता का निधन हो गया, वह किस देश के थे? माली देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में जीता स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुमित भाले ने जीता है। प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच हस्ती साओली मित्रा का निधन हो गया है। यह कौन भाषा के थे? साओली मित्रा बंगाली रंगमंच के थे, बंगाली भाषा के ना या बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, MSME पवेलियन और खादी इंडिया फिल्म का उद्घाटन किसने कहाँ किया गया है? तो दुबई एक्सपो में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बैडमिंटन अंडर 19 बालिका एकल में विश्व की नंबर वन एक बन गई है तस्नीम मीर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता सौंती देवी का निधन हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता थे पद्म, जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, यह इम्पोर्टेंट है। सौंती देवी थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा समिट को किसने संबोधित किया है? तो पीएम मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट पेश कौन सा देश किया है या करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 के विजेता की घोषणा की है, तो कितना है? 46 स्टार्टअप अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए उड़ीसा सरकार ने WFP के साथ गठजोड़ किया या साझेदारी किया या भाग हस्ताक्षर किया है? वही हो गया, इस सभी का मतलब गठजोड़ का मतलब। भारतीय क्रिकेटर टीम
भारतीय क्रिकेटर टीम के टेस्ट कप्तान पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लोसुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया गया? तो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की है किसने? उद्यमियों द्वारा किया गया है, उद्यमियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यूपीआई लाभार्थी चार्ट में सबसे आगे कौन है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा बैंक है सबसे आगे? पेटीएम पेमेंट बैंक। आईएसएल उड़ीसा एफसी ने किनको गार्सिया को अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? केपी अरविंदन ने नौसेना गोदी के एडमिरल अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टेटिंग में भारत के पांचवें स्थान पर है, कितने स्थान पर है? तो पांचवें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 14 जनवरी 2022 की महत्वपूर्ण घटना, सॉरी 14 जनवरी का जो करंट बना है उसका है यह क्वेश्चन नहीं है, यह हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन। निर्बोध नेट बैंकिंग अनुभव के लिए एक्सिस बैंक ने मिका सुपे के साथ साझेदारी किया है, किसके साथ? मिका सुपे के साथ साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सशस्त्र सेना वायुवीर दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, HDFC बैंक ने भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है, किसको चुना गया है सर्वश्रेष्ठ? तो HDFC बैंक को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। रिलायंस ने गुजरात सरकार के साथ 5.95 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, शोधकर्ताओं ने पहली पूरी तरह से 3D मुद्रित लचीला ओलेड विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत अमेरिका होमलैंड सुरक्षा वार्ता के वरिष्ठ अधिकारी के बैठक की आयोजित किया है। भारत और अमेरिका ने होमलैंड सुरक्षा वार्ता के लिए वरिष्ठ अधिकारी की बैठक आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कवि वक्ता एस रामेशन का निधन हो गया, वह किस भाषा के थे कवि? तो मलयालम भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, RBI ने उज्जीवन SFB के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त की मंजूरी दिया है? ईर्ता डेविस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 95 नंबर क्वेश्चन, FSI द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्टेड रिपोर्ट 2021 जारी किया है, किसके द्वारा? FSI द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निकारागुआ में चौथे कार्यकाल के लिए डेनियल ओर्टेगा ने राष्ट्रपति पद से शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है मिशन अमानत किसने किया है? आरपीएफएस द्वारा ही अमानत मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है, वह किस देश के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं।
जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन सा बना है? केरल के कोच्ची में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चेन्नई में सशस्त्र तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी ने किया है। शेर सिंह ख्याली को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल किसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा नौसैनिक संस्करण द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, सासोली का निधन हो गया, वह क्या थे? ईयू संसद के अध्यक्ष थे, ईयू संसद के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आईएमएफ के मुख्य कार्यकारी अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ की जगह लेंगे कौन? गीता गोपीनाथ की जगह कौन लेंगे? तो पियरे ओलिवियर लेंगे। उड़ीसा के मातृ अवकाश का लगभग कितने 90 दिन से बढ़ाकर कितना दिन कर दिया गया? 180 दिन। कितना दिन कर दिया है? 180 दिन। 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किंग रिचर्ड के लिए पहला गोल्डन ग्लोबल कौन बनी थी? विल स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण कोरिया का पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किसने जीता है? तो हो जाएगा ओ ये ओंग सुंग। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत ने किसकी सहायता से शुरू की है लग्जरी ट्रेन सेवा? किसके सहायता? तो श्रीलंका के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, साइप्रस में डेल्टा क्रोन नामक एक नए कोविड संस्करण का पता चला है। कहाँ चला है? साइप्रस में। कौन वायरस? तो डेल्टा क्रोन नामक एक नए कोविड संस्करण का पता चला है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वित्त वर्ष 2012 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना % बढ़ा है? तो 9.5% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन परियोजना निरामय की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो असम में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ई गवर्नेंस पर सम्मेलन में अपनाने वाला कौन था? तो हैदराबाद ने घोषणा किया है। कौन घोषणा किया है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एल आई सी डीजी जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। रोटोमैक का मालिक का निधन हो गया, वह कौन थे? तो विक्रम कोठारी जो कि रोटोमैक के मालिक थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इंदिरा ने भारत में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है या कितना घट गया है? 9.3% घट गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीजीपी के रूप में बीके भावड़ा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है कौन? फिलीपींस ने लगाया है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को आमों का निर्यात शुरू करेगा। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आमों का निर्यात फिर से शुरू करेगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, के भी आईसी ने अभिनव मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की है। किसने किया है? के भी आईसी ने। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, धनुष्का गुंथी लका ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है। टेस्ट से किसने घोषणा संन्यास की है? धनुष्का गुंथी
थीलिका। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहले बहुयामी साहसिक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया खेल अभियान को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबानी के रूप में चुना गया है, या पांडुचेरी के राष्ट्रीय को युवा महोत्सव का मेजबानी के रूप में किसे चुना गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रिकेट को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने साइन किया है, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आज असम राइफल के रूप में पदभार ग्रहण किया है किसने, मेजर जनरल विकास लखेरा असम राइफल के रूप में पदभार का ग्रहण किया है उत्तर में। नेक्स्ट प्रश्न, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आईटीएफ या एफओएफ लॉन्च किसने किया है, मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयन का पुरस्कार किसने जीता है, जीसन ए लतीफ ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, लोसार पारंपरिक साल में पर्व होता है लोसार, तो किस राज्य में मनाया जाता है, लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, एनपीसीएल की सहायक कंपनी NBBL ने बिल भुगतान को आसान बनाने के लिए यूपीएमएस लॉन्च किया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गूगल ने $500 मिलियन में इजराइल साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सीएलपी फाइव का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जैसे चौधरी ने अंक ज्योति पर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, किसने किया है, जैसी चौधरी ने ज्योतिष पर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आरबीआई से मिला अनुसूचित बैंक का दर्जा किस बैंक को, एयरटेल पेमेंट बैंक को। बाल विवाह मुक्त घोषित किया है उड़ीसा के किस गांव को, गंजम जिले के। और पहला है फ्रांस में पहचाने गए नए कोरोना वायरस का संस्करण का नाम क्या है, IHU। उजाला योजना के 7 साल पूरे 36 करोड़ LED पूरे भारत में वितरित किया गया, कितने करोड़ LED बल्ब को वितरित किया गया, 36 करोड़ को। उजाला योजना के 7 साल पूरे होने पर 36 करोड़ LED बल्ब को भारत में वितरित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस मंत्रालय ने SAR कार्यक्रम लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, आवास एवं शहरी मामला के मंत्रालय ने। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अभ्यास मिलन 2022 द्वारा सबसे बड़े 46 देशों की मेजबानी करेगा भारत में किस सेना द्वारा, तो भारतीय नौसेना द्वारा, किसके द्वारा किया जाएगा, भारतीय नौसेना द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कानून शादी की उम्र पर विधेयक को जांच के लिए 31 सदस्य पैनल को में किसे चुना गया है, सुष्मिता देवी को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जी अशोक कुमार ने स्वच्छता गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में पदभार का संभाला है, किसने संभाला है, तो जी अशोक कुमार। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, 3 बार ओलंपिक में ट्रिपल जंप विजेता विक्टर सानेव का निधन हो गया, तीन बार ओलंपिक में ट्रिपल जंप विजेता विक्टर थे, वह विक्टर सानेव का निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है।
जम्मू और कश्मीर बैंक ने बलदेव प्रकाश को एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको? बलदेव प्रकाश को, जम्मू कश्मीर के बैंक के एमडी एवं सीईओ। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, खगोलविद ने पृथ्वी जैसे मैग्नेटो स्फेयर वाले पहले एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है। पृथ्वी जैसे मैग्नेटो स्फेयर वाले पहले एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, दो हज़ार इक्कीस में जीएसटी संग्रहालय में उड़ीसा शीर्ष पर 43% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में तीन जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण शुरू होगा। कब से? 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण शुरू होगा। अब हो गया है 3 जनवरी से। संघाई ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली जो कि 831 किलोमीटर नेटवर्क की लंबाई है। कहाँ में? संघाई में, संघाई चीन में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, विशाल इनमार सेट 6 F1 संचार उपग्रह कक्ष में लॉन्च किया है, वह कौन सा देश है? तो जापान है, जापान। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अनुकृति उपाध्याय की किंतु सुखी ने जीता है सुशीला देवी पुरस्कार 2021। किसने जीता है सुशीला देवी पुरस्कार 2021? तो इसका आंसर हो जाएगा किंतु सुखी ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात के हिंदू महाराजा परमहंस मंदिर को प्रार्थना करते हुए पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, संजय कुमार सिंह ने इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? संजय कुमार सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, 10 मिलियन कोविड-19 संक्रमण में शीर्ष पर पहुंचने वाले छठा देश कौन बन गया है? तो फ्रांस बन गया है 10 मिलियन। लास्ट दो प्रश्न है, केंद्र ने उज्ज्वला मिशन के तहत झारखंड को 9,544 करोड़ रुपये का अनुदान को मंजूरी दी है। कितना? 9,544 करोड़ जल जीवन मिशन के तहत झारखंड में को मंजूरी दिया है। वही उड़ीसा को कितना दिया गया है? नेक्स्ट प्रश्न में, सॉरी उड़ीसा को नहीं, उड़ीसा सरकार ने महंगाई भत्ते को 3% बढ़ोतरी की है। कितना परसेंट? 3% की है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावास या विधवा पेंशन को 1200 रुपया बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1400 रुपया बढ़ाकर कर दिया गया है। किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने 1200 से बढ़ाकर 1400। उज्ज्वल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने उड़ीसा को कितना अनुदान वंटित किया है? तो इसने किया है 3,323 करोड़ रुपया, 3,323 किया है उसने, किया था 9,544 करोड़ रुपया का अनुदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न जगह, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के या सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? बीके त्रिपाठी को। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम है वीडियो में, यह सब बताना है, तब तो हम वीडियो को बढ़िया से बनाएंगे। जहाँ प्रॉब्लम होगा वह सब हम ठीक कर देंगे ताकि आपको अच्छा लगे। और कमेंट में ये भी बताइएगा मेरा क्वेश्चन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।